हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आज की मेरी रेसिपी है मटर का निमोना। ये नॉर्थ इंडियन डिश है और इसको आप अभी जैसे विंटर्स अभी चल रहे हैं तो आप मार्केट से मटर लें और उसका बनाएं तो काफ़ी अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर मटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रोजन बी से भी मटर को निमोना बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मटर का निमोना बनाना। मटर का निमोना बनाने के लिए आइए सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। ये हमने हाफ के जी मटर के दाने, इसको छील के इसके दाने निकाल लिए हैं। मीडियम साइज़ के दो आलू लिए हैं, उसको छील कर धोकर हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून हमने लिया है कोरिएंडर पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, नमक लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये 1 टेबल स्पून हमने गर्म मसाला लिया हुआ है। ये हमने लिए हैं धनिया के पत्ते, जिसको हमने धोकर अच्छे से छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। हमने 2 टमाटर लिया है और इसे भी छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लिए हैं। ये 2 हरी मिर्च है और एक छोटा अदरक का टुकड़ा, जिसे भी हमने काट लिया है। इन सारे जो इंग्रेडिएंट हैं इनको हम एक जार में, मिक्सर जार में डालकर और इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये जो मटर के दाने हैं इनका भी हम, इनको भी हम मिक्सर में डालकर इसको भी पीस लेंगे। सबसे पहले हम मिक्सर लेंगे और इसमें ये मटर के जो दाने हैं इनको हम पीस लेंगे और थोड़े से मटर हम इसमें बचा लेंगे। इसको हम खड़ा मटर ही ऐसे ही डालेंगे। तो आइए इसका हम पेस्ट बना लेते हैं, बट इसको बहुत फाइनली जो है इसको नहीं ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमने मटर को थोड़ा पीस लिया है, इसको बहुत फाइनली हमें नहीं पीसना है, ऐसे थोड़े जो है ऐसे दरदरा होना चाहिए। तो इन मटर को पहले हम प्लेट में निकाल लेंगे। इन मटर को हम पहले हम निकाल लिए हैं जार में से। अब जो है ये जो धनिया है अदरक टमाटर और मिर्च, उनको ऐसे जार में लेके और इनका भी फाइन पीस बना लेंगे। अब देख सकते हैं मसाले हमारे बिल्कुल तैयार हैं, हमारा सारा इंग्रेडिएंट अभी बिल्कुल रेडी है। अब हम शुरू करेंगे निमोना बनाना। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई भी गर्म हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम ऑयल डाल देते हैं। अभी तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम आलू पहले डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। आलू को हम अच्छे से इसको पहले फ्राई करके इसको एक प्लेट में पहले हम निकाल लेंगे। आलू को एक बार चेक कर लेते हैं। आलू अभी बिल्कुल हो गया है, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो इसे एक प्लेट में हम पहले निकाल लेंगे। आलू को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है पेपर टॉवल पे और इसको हम रख देंगे। तेल हमारा गर्म है। अब हम इसमें सबसे पहले मटर डालेंगे। इसमें जो कुछ खड़े मटर थे जो हमने बचा लिए थे उसे भी हम डाल देंगे। मटर को आप जितना ही भूनेंगे निमोना उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो इसको हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको भूनना है। मटर को थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे। तब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। ये हल्दी, ये है धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे हमारे मसाले भी थोड़े मटर के साथ भून जाए। अब
देखते हैं। मटर ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। अब इसमें हमने जो ये हरा मसाला बनाया था, धनिया पत्ती और टमाटर अदरक और ग्रीन चिली वाला मसाला, इसको हम मिक्स कर देंगे और इसे भी कम से कम हम 5 मिनट इसे भूनेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। अभी हमारे मटर मसाले सब कुछ एक साथ मिक्स हो गए हैं और सारे को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से भून लिया है, तो इसमें पानी ऐड करेंगे। थिकनेस आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, ये काफ़ी थिक है अभी, तो इसमें एक ग्लास पानी और ऐड करें। अभी हमने हाफ ग्लास पानी ऐड किया है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। बनने के बाद हमारा निमोना ऐसे रहना चाहिए, तो अभी हम पूरा पानी ऐड कर देते हैं। तो टोटल हमने 2 ग्लास पानी इसमें ऐड किया है। इसमें जो हमने आलू फ्राई किया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ढक देते हैं इसे। ये बार चेक करते हैं। सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो ये कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं, और अगर आपको राइस के साथ खाना है तो आई थिंक ये परफेक्ट है। अदरवाइज़ अगर रोटी के साथ खाना है या पराठे के साथ खाना है तो थोड़ा सा और थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। अभी ये मटर का निमोना जो है बिल्कुल बनके तैयार है, और आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी काफ़ी सही है, थिकनेस ऐसी ही होनी चाहिए। तो अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं, इसे सर्व करते हैं। सकते हैं निमोना बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।